सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुडे. तो द चैप्टर नेम जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आप लोग जाएगा ना, तो इट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम. ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में भी है ना सीखा था, बराबर ना सीखा था ना, थम्स अप 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा था. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या. जस्ट एक रिकॉल 9th स्टैंडर्ड का रिकॉल. लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल. सपोज मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ये मेरा ट्रायंगल है, सबका ध्यान स्क्रीन पे, दिस इज माय ट्रायंगल ए बी एंड सी. पाइथागोरस थ्योरम कौन सा वाला ट्रायंगल पे अप्लाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. Now, sir, what do you mean by right angle triangle? Right angle triangle is a triangle jisme 1 degree is 90 degree. So, Pythagoras theorem is applicable. This is C. Pythagoras theorem is applicable only in a right angle triangle. Abhi ye Pythagoras insan bolta kya tha? According to that theorem, wo bolta tha ki the hypotenuse square. Hypotenuse matlab kya rehta? Hypotenuse matlab ye wala. This is the hypotenuse. And these are the other two sides. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. ये हमने बचपन में सीखा था. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री, तो उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज जनरली द सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दैट ट्रायंगल, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड. ये कौन सा थ्योरम बोलता था? ये बोलता था अपना पाइथागोरस थ्योरम. ये हमने बचपन में, दैट इज अवर 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था. तो दिस वाज जस्ट अ रिकॉल. तो 10th स्टैंडर्ड में वी विल बी लर्निंग एक न्यू कॉन्सेप्ट जो हमने 9th में नहीं सीखा है. वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है सर? सो द न्यू कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी लर्निंग इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. अभी तुम बोलेगा सर व्हाट इज ट्रिपलेट? ट्रिपलेट मतलब थ्री नंबर्स. ट्रिपलेट मतलब थ्री नंबर्स. तो तुमको है ना ये फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द थ्री नेचुरल नंबर्स गिवन टू यू ऑल आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट. अभी तुम बोलेगा सर हाउ शुड वी आइडेंटिफाई वेदर दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट इसके लिए ना कैसे आइडेंटिफाई करने का मैं आपको बताता हूँ. आई विल सॉल्व वन सम फॉर यू जिसमें ना आपको ध्यान से समझ में आएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है, लेट्स टेक प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1. तो मेरे को समझो देखे रखा दैट इज 3, 5, 4. सो दीज आर द थ्री नंबर्स गिवन टू अस. नाउ माई क्वेश्चन इज आपको क्या करना है मान में? सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये तीन नंबर में से सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है. 3, 5 and 4 में सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? बोलो माइक ऑन करके बात करो. 3, 5 and 5. तुमको क्या करना है मान में क्या? जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो कैसे होगा. अभी बात मत करना. तो सबसे बड़ा वाला नंबर दैट इज 5. तो मैं यहाँ पर लिखेगा 5 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर हमने बचपन में सीखा था, इट इज 25. तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने सबसे बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर निकाला. तो मैंने 5 का स्क्वायर निकाला, आई गॉट द आंसर एज 25. फिर मैं क्या करेगा, मैं दो छोटा नंबर है ना उन दोनों का स्क्वायर निकाल के उनको ऐड कर देगा. तो दो छोटा नंबर का स्क्वायर मतलब कौन सा दो नंबर है? मेरे सामने भी इधर टेक्स्ट बुक है. तो 3² + 4² ये दो नंबर को मैं ऐड कर देगा. 3² इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16. सपोज मैं इसको देता हूं नंबर 1, तो ये मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 9 + 16 = 25 नंबर 2. तो अगर तुम ध्यान से देखेगा तो यहाँ पर देखो ना, ये बड़ा नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर टू नंबर. ऐसा जब भी केस होएगा ना जहां पर एक बड़ा नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलर नंबर, तो मैं बोलेगा कि ये नंबर 3, 5 and 4 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. मतलब तुमको क्या करना रहेगा ऐसा सम में? बड़ा नंबर का स्क्वायर निकालने का, दो छोटा नंबर का स्क्वायर निकल के उनको ऐड करने का और फिर चेक करने का कि दोनों आंसर सेम आएगा. तो यहाँ पर इन दिस केस मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर मेरा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा 3 का स्क्वायर प्लस मेरा 4 का स्क्वायर. ये मुझे कैसे मिला? ये मेरे को मिला फ्रॉम
वन एंड टू, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं एक रीजन लिखूंगा रीजन, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होता है, मैं यहाँ पर लिखूंगा द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। सिंस ये जो रूल है ये यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, सिंस ये रूल एप्लीकेबल होता है तो मैं बोल सकता हूँ देयर फोर ये जो नंबर है दैट इज 3, 5, 4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो दिस इज द सम जो मेरे को करना है। तो व्हाट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं तुम लोग कैसा ढूंढेगा, तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, दिस इज जस्ट अ वन मार्क क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा इसमें, बड़ा नंबर का स्क्वायर निकालने का, बड़ा नंबर का स्क्वायर निकालने का, फिर दो छोटा नंबर का स्क्वायर निकाल के उन दोनों को ऐड करने का। अगर दोनों इक्वल आया तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर दोनों इक्वल नहीं आया, ठीक है जरा ध्यान से सुनना, अगर दोनों इक्वल नहीं आया, सपोज इसका आंसर इक्वल नहीं आता है तो मैं कैसे लिखेगा, इधर लिखेगा मैं 5² इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब ऐसे एक लाइन आएगा नॉट इक्वल टू, एंड बाद में यहाँ पर लिखेगा द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, देयरफॉर ये नंबर इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप तुमको समझा, ठीक है इजी सम है। चलो मैं तुमको एक और सम हम लोग करते हैं ओरली जरा करके देखते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम अवर टेक्स्ट बुक का ही सम, तो टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट 5.0 क्या नंबर है इसका, 2 पॉइंट रहेगा, 2.1। चलो 2.1 वी विल टेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं इसमें जब भी सॉल्व करेगा ना, मैं ओरली करेगा, लेकिन तुम लोग को ओरली नहीं करना है, तुमको ना उसको सॉल्व करके लिखना है। तो जरा सब लोग है ना एकदम स्क्रीन पे ध्यान दो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया, अभी लो सेकेंड क्वेश्चन। देखो 4, 9 एंड 12 सबसे पहले कौन सा नंबर लेगा तुम, कौन सा नंबर लेगा, द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर मतलब 12। तो मैं इधर है ना रफली सॉल्व करता हूँ, रफली तो 12 का स्क्वायर 144 राइट। उसके बाद एक किसके भी पीछे आवाज आता रहेगा ना, जरा माइक म्यूट करना प्लीज, वो है ना अननेसेसरी चिल्लम चिल्ली हो जाता है इसमें। हाँ तो नेक्स्ट छोटा दो नंबर आर 4² एंड 9² तो अभी मैं इसमें लिखेगा 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 4² कितना होता है, 4² 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो 16 प्लस 81 इज 97। तो इधर इक्वल है क्या दोनों, इक्वल है नो, तो मैं कैसे लिखेगा, देयरफॉर मेरा 12² इज नॉट इक्वल टू 4² प्लस 9² तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखेगा यर द लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, हेंस दिस नंबर इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, फाइन। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओरली पहले करते हैं, बाद में आप लोग को जो मैंने फर्स्ट सम किया ना उसके हिसाब से देख के लिखना है। 5, 12 एंड 13 बोलो सबसे बड़ा नंबर, 13 बोलो, 13 का स्क्वायर 169। परफेक्ट। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी मेरे को दो छोटा नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, दैट इज 5² बोलो, 5 का स्क्वायर 25 उसका एक मेथड तुमको मैं सॉल्व करके दिखाया यहाँ पर, ये फर्स्ट मेथड, not first method, it is the only method, ऐसे ही solve करो, you will get full 1 marks। ठीक है, this is the first question, तो इसको जरा अच्छे से solve करना, देखो मैंने कैसे कैसे step किया है, so whether it is a Pythagorean triplet or not, आपको find करना है। ठीक है, तो आप लोग कर दो ये first 6 sums, फिर हम लोग इसको आके एक बार discuss कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक क्या क्या तुमने सॉल्व किया है, वो टेक्स्ट बुक सामने रख देते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट बुक, इसमें जो जो है जरा इसको इरेज कर देते हैं।
ठीक है चलो बता दो मेरे को आंसर क्या क्या आ रहा है, आराम से बताओ आराम से, ठीक है कोई घाई नहीं। ये फर्स्ट वन, फर्स्ट वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या? है सर, है। सेकंड वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या? नो नो। थर्ड वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या? यस यस यस। फोर्थ वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? यस यस। फिफ्थ वन पाइथागोरियन? नो नो। ये क्या कोई यस बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है, एक ही नहीं है? नो नो नो। सिक्स्थ वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या? नो नो। यस। सिक्स्थ वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? यस यस यस। सुपर। तो हम लोग का ये फर्स्ट सम हो गया। अननेसेसरी आवाज करने वाले को मैं निकाल देगा ग्रुप से, ठीक है? प्लीज डोंट टेस्ट माय पेशेंस। फिर मैं निकाल देने के बाद घर पे बैठ के ना यस 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 मम्मी पापा के साथ करते रहना। सुन रहा तुम, समझा तुमको ये फर्स्ट सम? एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। डन? डाउट है किसी को? डाउट है? डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो फाइन, डाउट नहीं है तो हम लोग कुछ नया सीखते हैं आज के लेक्चर में। तो क्या वो नया है ना, वो जरा आने दो। चलो, तो जो हमने सीखा है अभी तक, जो हमने नाइन स्टैंड में अभी तक सीखा था, जरा उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो नाइन स्टैंड में हमने क्या क्या सीखा था एक एक बार जरा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो नाइन स्टैंड में अगर तुमको याद रहेगा तो अभी कौन सा थियरम है ना, थियरम जो हमको अभी अभी आएगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट थियरम्स जो तुमको अभी आगे के सम सॉल्व करने में हेल्प होंगे। तो फर्स्ट वन इज द पाइथागोरस थियरम, ठीक है? फर्स्ट वन इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम किधर एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सपोज मैं इधर ट्रायंगल का नाम देता हूं, इसको ए, इसको देता हूं बी, इसको देता हूं सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस विल बी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपको आगे के सब में यूज होंगे। लेट अस टेक द सेकेंड थ्योरम। So the second important theorem is the 30 degree, 60 degree and 90 degree theorem. Yaad hai tumko 30, 60, 90 theorem? 30, 60, 90 yaad hai kya? Thumbs up, thumbs down, yaad hai? Brilliant. So dekho zara, sir. Ha, bolna. Sir, ha, dekho jab. Kya bol raha hai Indulkar? Sir, kuch aa raha nahi tha screen, tab bhi aaya. Ha, theek hai. तो 30, 60, 90 थ्योरम क्या बोलते हैं? सपोज मैंने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल लिया है, सपोज इसका मैं नाम देता हूं ए बी एंड सी। एंड ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल का मेजर्स कैसे है? एक एंगल उसका 90 डिग्री है, दूसरा एंगल उसका 30 डिग्री है एंड तीसरा एंगल उसका 60 डिग्री है। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल इज 90 डिग्री, another angle is 30 degree and another angle is 60 degree. तो वहां पर 30, 60, 90 theorem use होता है। तो 30, 60, 90 theorem क्या बोलता है? 30, 60, 90 बोलता है कि the side opposite to 30 degree angle will be half of the hypotenuse. Side opposite to 30 degree angle will be half of the hypotenuse. Now, if you observe carefully in the figure that we have given, side opposite to 30 degree, this is 30 degree and this is the side that is opposite to 30 degree. So, yahan par my answer will be BC will be equal to half of hypotenuse is AC. So, 30, 60, 90, do cheez bolta hai. Ek, the side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse. And dusra cheez kya bolta hai? Wo bolta hai, ek minute ka. And dusra cheez wo bolta hai ki the side opposite to 60 degree angle is 1 upon root 2 times the hypotenuse. ठीक है, तो ये क्या बोलता है, क्या बोलता है? एक मिनट हाँ, ठीक है, एक मिनट। ये नहीं है, 1 upon root 2 नहीं आएगा, यहां पर आएगा root 3 upon 2 times the hypotenuse.
तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री क्या बोलता है, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री विल बी रूट थ्री अपॉन टू टाइम्स द हाइपोटेन्यूज. नाउ टेल मी, ये जो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री मतलब कौन सा साइड है, 60 डिग्री का ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये 60 डिग्री है, इसका ऑपोजिट मतलब ये साइड. क्या ये साइड का नाम क्या है, साइड का नाम इज ए बी. तो ए बी विल बी इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू टाइम्स द हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी. तो दीज आर द टू थियरम जो तुमको पहला सीखना है. पहला पाइथागोरस थियरम जो क्या बोलता है, कौन से वाले ट्राइंगल में इट इज एप्लीकेबल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल मतलब उसमें वन एंगल शुड बी 90 डिग्री. वन एंगल शुड बी 90 डिग्री. सेकंड वाला 30-60-90 थ्योरम. 30-60-90 थ्योरम किसमें यूज होगा, रुको 30-60-90 थ्योरम किसमें यूज होगा, वो ट्राइंगल में जहां पर एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल 30 डिग्री है एंड तीसरा एंगल 60 डिग्री है. एक और थ्योरम हमने ना सीखा था, तो मैं तुमको ना तीन थ्योरम पहले सिखा देता हूँ. तो एक और थ्योरम हमने सीखा था, वो थ्योरम है, तो थर्ड थ्योरम अपन नाम दे सकते हैं, हम लोग नाम दे सकते हैं. थ्योरम इज 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम. तो 45 डिग्री 90 डिग्री क्या बोलता है, फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज इसका हम नाम एबीसी ही रखते हैं. तो यहाँ पर दिस एंगल इज 90 डिग्री. अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखेगा ना, तो मैं तुमको दो तीन अलग अलग चीज सिखाऊंगा, सम न्यू कॉन्सेप्ट. तो बोलते हैं ए का मेजर इज 45 डिग्री एंड दिस सी का मेजर इज ऑल्सो 45 डिग्री. तो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा ना, तो देखो ना ये दो एंगल इक्वल है, ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल है ना इक्वल है. तो जब भी दो एंगल ऐसा इक्वल रहता है ना, तो उसका ये साइड्स भी इक्वल रहता है, ए बी एंड बी सी विल बी इक्वल. तो 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम क्या बोलता है, 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम बोलता है कि जो दो साइड है दैट इज ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, इन दोनों का वैल्यू विल बी वन अपॉन रूट टू टाइम्स द हाइपोटेन्यूज. ये वन अपॉन रूट टू यहाँ पर है 30-60 में, मैं गलती से वहां लिख दिया. तो 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम बोलता है कि ये दोनों साइड, अब ये सर इक्वल टू साइन क्यों आया, क्योंकि ये दोनों 45 डिग्री साइन है, तो इसका ये दो साइड विल बी इक्वल. सो दीज आर द थ्री बेसिक थ्योरम जो तुमको पहले पता होना चाहिए. तो पहला थ्योरम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल में इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड. मैं वापिस तुम्हारे सामने वो लेके आता हूँ ताकि तुम देख के बराबर कर सको. नेक्स्ट है 30-60-90 थ्योरम. वो क्या बोलता है, द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज रूट थ्री अपॉन टू टाइम्स द हाइपोटेन्यूज. तो ये 30 डिग्री का ये ऑपोजिट साइड ये आ गया, 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड ये आ गया. उसके बाद आता है 45-45-90 थ्योरम. 45-45-90 क्या बोलता है कि जो दो साइड है वो साइड का वैल्यू विल बी इक्वल टू वन अपॉन रूट टू टाइम्स द हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय द हाइपोटेन्यूज. सो दीज आर द थ्री थियरम्स जो तुमको है ना आना चाहिए फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू. आगे के समझे ना इस पे बेस्ड होंगे. सुन रहे सब लोग, सुन रहे मेरा बात सुन रहा है, ठीक है. तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग है ना जरा अपना टेक्स्ट बुक निकालो. टेक्स्ट बुक तो है तुम्हारे पास, तो एक काम करो नोटबुक निकालो एंड नोटबुक में नजर आए थियरम लिख के रखो फटाफट. ऐसा लिखो इंपॉर्टेंट थियरम. लिख के रखो इम्पोर्टेंट थियरम एंड जरा इसको सॉल्व करके, मतलब ये जैसा मैंने लिखा ना वैसा लिख के रखना. इम्पोर्टेंट थियरम फर्स्ट नाम दो पाइथागोरस थियरम, सेकंड नाम 30-60-90 थियरम एंड थर्ड नाम इज 45-45-90 थियरम. लिख लो इसको जल्दी जल्दी, ठीक है. चलो अभी जरा ध्यान दो स्क्रीन पे. हम लोगों ने कौन सा थ्योरम सीखा, हम लोगों ने पहला सीखा पाइथागोरस थ्योरम कि वो एप्लीकेबल किस पे होता है, राइट एंगल ट्राइंगल. उसके बाद दूसरा हमने सीखा 30-60-90 थ्योरम, वो किसमें एप्लीकेबल होता है, वो ट्राइंगल में जिसका एक एंगल इज 90, दूसरा एंगल इज 30, तीसरा एंगल इज 60. फिर उसके बाद हमने सीखा 45-45-90 थ्योरम जिसमें एक एंगल इज 90 एंड दूसरा दो एंगल इज 45. फोर्थ थ्योरम जो है ना, ये तुम्हारा नया थ्योरम है,
दिस इज थियोरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. नाउ व्हाट डज अ ज्योमेट्रिक मीन, होता क्या है? ठीक है, जरा देखो ध्यान से पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट. देखो यहाँ पर ब्लैक में लिखा हुआ है तो तुम्हारे स्क्रीन पे है. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए एकदम स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ रहा हूँ. आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी टू कॉन्सेंट्रेट. ठीक है, ध्यान से सुनना. देखो क्या बोल रहा है, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, फर्स्ट लेट अस रीड द फुल स्टेटमेंट. द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड. सो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, आई शुड हैव अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. व्हाई राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इधर बोल रहा है इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो देखो यहाँ पर उन लोग ने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के रखा है. क्या है राइट एंगल ट्राइंगल का नाम, यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका नाम है आर क्यू एंड पी. वो बोलते हैं द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स. हाइपोटेन्यूज क्या है, ये आर पी. RP is the hypotenuse. Perpendicular segment मतलब देखो ये segment is also 90 degree. So the perpendicular segment that is drawn on the hypotenuse from the opposite vertex. ये hypotenuse है, इसका opposite vertex मतलब क्या हो गया, ये वाला vertex that is Q. तो यहाँ से अगर मैं एक perpendicular segment draw करता हूँ तो बोलते हैं कि ये geometric mean है. Geometric mean है मतलब क्या, इसका मतलब है कि ये जो QS का square will be equal to PS into SR. मतलब अगर तुमको क्यू एस ढूंढना रहेगा ना तो क्यू एस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये वाला साइड मल्टीप्लाई बाय ये वाला साइड. तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन का जो थ्योरम है ये तुम लोग किस में यूज कर सकते हैं, ये तुम लोग वो राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करने का जिसमें ना हाइपोटेन्यूज पे वो लोग ने एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया है. तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ थम्स अप. मतलब कहाँ पर यूज करेगा तुम उसको, सर ये वाला थ्योरम यूज कहाँ पर होगा, वो वाले जगह पर यूज होगा जहां पर एक 90 डिग्री मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड हाइपोटेन्यूज को लोग ने एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है. तो लेट अस स्टार्ट विद द सम, तुमको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा. तो कितना थ्योरम किया हमने, वी हैव स्टार्टेड विद फोर थ्योरम स्टार्टिंग में. मैं तुमको थ्योरम का प्रूफ वगैरह अभी नहीं बता रहा, वो सब मैं तुमको बाद में सिखाऊंगा. फिलहाल के लिए उसका एप्लीकेबिलिटी, पहला पाइथागोरस थ्योरम 30-60-90 45-45 एंड बाद में ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, तुम लोग के पास सबके पास टेक्स्ट बुक है ना सामने, तो आ जाओ टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर टू पे. टेक्स्ट बुक सम नंबर टू, ये प्रैक्टिस सेट में सम नंबर टू. आई वॉन्ट एवरीबडी टू रीड दिस सम केयरफुली एंड उसके बाद हम लोग जरा डिसाइड करते हैं कि हम लोग ने जो चार थियरम पढ़ा उसमें से कौन सा थियरम विल बी एप्लीकेबल. क्या बोल रहे, देखो सब लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कोई सोल्यूशन के लिए घुसना मत, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. वो बोल रहा है सम नंबर टू, ठीक है वन हो गया हमारा सम नंबर टू. इन द फिगर 2.17 मतलब ये वाला फिगर, ये 2.17 है. एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री, मतलब ये मेरा एम, ये एन, ये पी इज 90 डिग्री, मतलब ये जो ट्राइंगल है इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. फाइन, सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी. नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली ऑब्जर्व करो सब लोग, ये एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी एंड एम पी इज द हाइपोटेन्यूज. बराबर ना, एम पी इज द हाइपोटेन्यूज. एंड क्या क्या वैल्यू देके रखा है मेरे को, वैल्यू देके रखा है एम क्यू का. एम क्यू मतलब ये वाला वैल्यू देखे, दिस इज 9. फिर मेरे को देके रखा है क्यू पी, दिस इज 4. एंड मेरे को किसका वैल्यू ढूंढने बोल रहा है, मेरे को वो लोग वैल्यू ढूंढने बोल रहे हैं एन क्यू का. नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, जो चार थियरम हमने सीखा था, कौन सा थियरम सीखा था हमने, पाइथागोरस 30-60-90 45-45 एंड ज्योमेट्रिक मीन, उसमें से कौन सा वाला थियरम विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस. कौन बोलेगा, अनम्यूट योर सेल्फ एंड गेट मी द आंसर. कौन बोलेगा बताओ, एक मिनट, तुम लोग अनम्यूट नहीं कर पाएगा, मैं तुमको है ना अनम्यूट कर देता हूँ. ठीक है, हाँ अभी तुम लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो. कौन सा वाला थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन विल बी यूज. सुनो अभी सब लोग. तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं कि ये क्यू एन का स्क्वायर will be equal to mq multiply by qp. So qn ka square will be equal to 9 into 4. So 9 4 is 36. So qn ka square is 36. Lekin mereko qn square nahi chahiye. Mujhe kya chahiye? Mujhe qn ka value chahiye. So ye upar jo udta hua 2 ko kaisa hatane ka? Are bolo, kaisa nikalega udta hua 2 ko tum? Square root. नहीं, ऐसा लिखेगा तो तुमको एक मार्क नहीं देगा.
मालूम है तुमको स्कूल में ऐसा लगता है सर हमने लिखता तो सब है लेकिन हमको लोग टीचर लोग मार्क्स नहीं देता है, वो क्यों नहीं देता है मालूम है, क्योंकि तुम लोग उसको सही ढंग से प्रेजेंट नहीं करते। तो प्रेजेंटेशन में आपको सिखाता हूँ, लेकिन मैं मोस्टली क्या करेगा मैं सम तुम्हारे सामने रखेगा एंड मैं तुमको अपना दिमाग अप्लाई करने लगेगा कि तुम लोग सोचो कि इसमें कौन सा थियरम कैन बी यूज। हो सकता है कि मेरे पास एक आंसर हो, तुम लोगों ने कुछ नया आंसर ढूंढ के निकाला तो मैं भी कुछ नया सीखूंगा। तो लेट इट बी अ लर्निंग प्रोसेस जहां पर आप आपका भी दिमाग लगाओ एंड मैं मेरा भी दिमाग लगाता हूँ। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी क्या करो मान में, अभी सबसे पहले एक नोटबुक लो, उसमें लिखो क्वेश्चन नंबर टू है ना, डायग्राम जरा फिगर है ना बना दो, ये सब हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। तो साथ साथ में सॉल्विंग करेंगे ईच एंड एवरी सम, ठीक है? तो एक डायग्राम बना दो, डायग्राम हो सके ना तो हमेशा राइट हैंड साइड कॉर्नर में बनाने का या तो सेंटर में बनाने का, और चॉइस तुम्हारा है, लेकिन आई वुड प्रिफर कि राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप बनोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इधर लिखेगा डायरेक्ट क्वेश्चन टू, बोर्ड एग्जाम में भी मैं ऐसे ही लिखेगा क्वेश्चन टू सोल्यूशन, दिस विल बी अ टू मार्क क्वेश्चन एंड यहाँ पर मैं उसका डायग्राम बना देगा। मेरा डायग्राम इतना परफेक्ट नहीं होगा, तुम लोग बराबर बनाओ, तुम्हारा स्केल एंड पेंसिल है साथ में, ठीक है? ये एम, ये एन, ये पी एंड यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, दिस इज क्यू एंड किसका किसका वैल्यू देके रखा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये वैल्यू मुझे देके रखा है ये कितना था, दिस इज 9, दिस इज 4 एंड दिस इज 90 डिग्री। तो मैंने डायग्राम ऐसा बनाया, मैं एग्जाम में भी सोल्यूशन यही फॉर्म में लिखूंगा, डायग्राम ऑन राइट हैंड साइड एंड बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा सोल्यूशन, या तो डायग्राम सेंटर में रखने का, पेज का सेंटर में, उसका नीचे आंसर लिखते जाने का, ठीक है? जरा रुको ना, अभी है ना सब लोग जरा ना ध्यान से सुनो मेरे को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग कॉपी मारना, ठीक है? घाई मत करो, मैं तुम्हारे स्क्रीन पे रखेगा काफी टाइम तक। तो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में जो दिया है ना मैं वो यूज करेगा। क्वेश्चन में मेरे को उन्होंने बोला था कि एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री, तो मैं सबसे पहले ना ट्राइंगल का नाम लिखेगा, तो मैं लिखेगा इन ट्राइंगल एम एन पी, एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर ये कैसे मालूम पड़ा आपको ये 90 डिग्री है? इसका रीजन गिवन, तो एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री एंड मेरे को क्या देके रखा है, एंड मेरे को देके रखा है सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी। तो ये जो गिवन है ना ये दोनों के लिए हो गया, दोनों के रीजन विल बी गिवन, ठीक है? जिसका भी इंदुलकर तेरे पीछे है ना फोन वाइब्रेट हो रहा है तो जरा उसको बंद कर देना। तो यहाँ पर मैं लिखेगा देयरफोर मैं बोल सकता हूँ कि एन क्यू स्क्वेयर विल बी इक्वल टू एम क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू पी। अभी यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट रीजन वाई ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हम लोग कौन सा थियरम यूज किया इधर, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एंड उसके बाद हम लोग नॉर्मल सॉल्विंग करेंगे। यहाँ पर एम क्यू और क्यू पी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाई 4, तो मैं आगे लिखेगा therefore n cube is equals to 36, तो मैं लिखेगा therefore n cube is equals to 6 units। ऐसा डायरेक्ट इतना लिखा ना तो भी एग्जाम में तुम्हारा लोग हाफ टू वन मार्क काटेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर रीजन नहीं लिखा है ये 36 का 6 कैसे हुआ। तो यहाँ पर मैं लिखेगा taking square root on both sides and this is my final answer। I hope ये क्लियर है, समझा ना सबको, वेरी सिंपल सर, ठीक है? एवरीबॉडी राइट दिस क्वेश्चन, लिख दो सॉल्यूशन, दिस इज योर फाइनल आंसर, ऐसे ही लिखना है तुमको एग्जाम में भी सेम टू सेम। चलो तो आई होप सब लोग ने ये लिख लिया है। तो अगर देखो इसको ना थोड़ा और अगर तुम ध्यान से एनालाइज करेगा तो थियरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन कभी यूज होगा, एक तो तुम्हारे सम में ना 90 डिग्री का ट्रायंगल होना चाहिए एंड हाइपोटेन्यूज पे ना एक परपेंडिकुलर रहना चाहिए, मतलब एक 90 डिग्री वाला एक लाइन रहेगा ना तो ही तुम ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हो। दो चीज, एक तो ट्राइंगल 90 डिग्री प्लस यहाँ पर एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ, ठीक है? नाउ लेट अस टेक द थर्ड सम ले लेते हैं, वही एक्सरसाइज का, तुम्हारे सामने रहेगा ना बुक तो तुम लोग देख सकते हो, ठीक है? आ जाओ सम नंबर 3 पे सब लोग, सम नंबर 3 देखो, तुम लोग पढ़ो क्वेश्चन एंड मेरे को बताओ कैसे करने का, तुमको आता है क्या? देखो जरा तुमको समझ में आ रहा है क्या कैसे करना है, क्या बोलना चाह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हो? इन द फिगर 2.18 एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। तो देखो एक 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल देके रखा है, एंगल ए 90 डिग्री है
एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री. सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर. ओके, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन भी देके रखा है. अभी हमने सीखा था एक 90 डिग्री का ट्राइंगल रहेगा, फिर उसका हाइपोटेन्यूज का अगर एक परपेंडिकुलर लाइन रहेगा तो हम लोग कौन सा वाला थियरम यूज करेंगे? हम लोग ज्योमेट्रिक मीन थियरम यूज करेंगे. एंड यहाँ पर देखे रखे क्यू डैश एम डैश आर. अभी ये डैश 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 क्या है? ये डैश 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 का मतलब है पहला क्यू रहेगा ना, तो बीच में एम है और एम के राइट हैंड साइड में आर रहेगा. तो ये वो ऑर्डर में पहला क्यू बाद में एम बाद में आर. देखो ना इधर वही ऑर्डर में पहला क्यू बाद में एम बाद में आर. तुमको पूछा गया है, तुमको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर, मतलब तुमको बोल रहा है ये फुल क्यू आर का वैल्यू ढूंढ के दो. तो फर्स्ट इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर मेरे को सबसे पहले वैल्यू लगेगा एम आर का. दिख रहा है तुमको मेरे पास एम आर ही नहीं है, तो पहला मैं एम आर ढूंढेगा. एक बार मुझे एम आर का वैल्यू मिल गया ना तो मैं क्यू आर इजिली ढूंढ सकता हूँ, क्यू क्यू आर इजिली ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्यू एम और एम आर दोनों का वैल्यू है, मैं उसको जोड़ देगा दैट इज क्यू आर. तो मेरे को सबसे पहले वैल्यू चाहिए एम आर का. कोई बता सकता है मेरे को कि सर एम आर का वैल्यू हम लोग कैसे ढूंढेंगे, एम आर के लिए कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? वही चार थ्योरम में से यूज करना है तुमको. कौन सा वाला थ्योरम यूज करेंगे बोलो? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. परफेक्ट, तो हम लोग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे. थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज करके मेरे को एम आर का वैल्यू मिलेगा. एम आर का वैल्यू जैसे मिल जाएगा, क्यू आर इज सिंपल. वाई क्यू आर इज सिंपल? क्योंकि अगर तुम क्यू आर को ध्यान से देखेगा ना तो क्यू आर इज मेड अप ऑफ द एंटायर क्यू आर इज मेड अप ऑफ टू सेगमेंट्स दैट इज क्यू एम एंड एम आर. तो क्यू एम का वैल्यू तो है, एम आर हमने ढूंढ लिया, दोनों को जोड़ो तो तुमको क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा. फाइन, इजी इजी क्वेश्चन. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. सॉल्व करते हैं साथ में. बना दो डायग्राम, जरा बना दो डायग्राम. डायग्राम बना के रखो, मैं ये डायग्राम मिटा देता हूं. तो यहां पर उसका डायग्राम बनेगा. ये 90 डिग्री है, यहाँ से एक लाइन है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये M है. एंड इसका वैल्यू मेरे को देके रखा है 10, इसका वैल्यू देके रखा है मेरे को 8. एंड मेरे को फाइंड करना है, ये जो मैं अभी रेड में लिख रहा हूँ ना, ये तुमको लिखने का जरूरत नहीं, मेरे को फाइंड करना है इसका फुल का वैल्यू. ठीक है, चलो अभी मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, तुम लोग बाद में कॉपी मारना, पहला सोल्यूशन को ध्यान से देखो. तो हमेशा जब भी सोल्यूशन स्टार्ट होगा ना, फर्स्ट तुमको ट्रायंगल का नाम बताना पड़ता है कि कौन सा ट्रायंगल है. तो क्या ट्रायंगल का नाम है? तो मैं तो लिखेगा इन ट्रायंगल क्यू पी आर. इन ट्रायंगल क्यू पी आर मेरे को मालूम है एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंड मेरे को देखे रखा है लोग ने कि सेगमेंट पी एम, सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर. सर ये दोनों का रीजन क्या रहेगा? ये दोनों का रीजन रहेगा गिवन, क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन टू मी इन द क्वेश्चन. तो उसके बाद मैं अप्लाई करेगा मेरा ज्योमेट्रिक मीन. तो ये आ गया मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप. तो मैं यहाँ पर लिखेगा देयर फोर पी एम का स्क्वायर, ये वाला इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई बाय एम आर. रीजन रीजन रीजन, इसका रीजन क्या रहेगा? इसका रीजन रहेगा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो तुम लोग बराबर से लिखना थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. तो यहाँ पर आएगा, तो ये सम को आगे सॉल्व करता हूँ. तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर पी एम स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू एम आर. ठीक है, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे. तो ये 10 स्क्वायर मतलब 100 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एम आर. तो देयरफॉर कोई लिखो मत, दीप नहीं लिखने का. तो ये 8 आगे इधर मल्टीप्लाई है, ऑपोजिट साइड में जाएगा तो जाएगा डिवाइड. तो मैं लिखेगा एम आर इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 8. देयरफॉर एम आर इज इक्वल्स टू, अभी इसको मैं आगे सॉल्व करेगा ना, जब इसको सॉल्व करते हैं आगे कौन सा टेबल में जाता है, जरा रफ कैलकुलेशन. कौन सा टेबल? ए 24 जा 250 है, तो ये क्या 50 अपॉन 4. तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 4 1 जा 4 1 कैरी 4 2 जा 8 पॉइंट, फिर 2 कैरी 4 5 जा. तो मेरा एमआर का वैल्यू विल बी 12.5 यूनिट्स. अभी बहुत स्टूडेंट लोग है ना इतना करके खुश हो जाते हैं और उनको लगता है मेरा आंसर आ गया. आंसर नहीं आया तुम्हारा, क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया कौन बताएगा?
क्योंकि सर सर हम लोग का एडिशन करने का सर क्यू आर ढूंढने बोला है, तुमको क्यू आर ढूंढने बोला है, हम लोग को एम आर नहीं ढूंढना है। तो मैं इधर लिखेगा नाउ क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर इज मेड अप ऑफ टू सेगमेंट दैट इज क्यू एम प्लस एम आर। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्यू डैश एम डैश आर है। तो मैं यहाँ पर लिखेगा देयरफॉर क्यू एम का वैल्यू इज 8, एम आर का वैल्यू हमने जस्ट ढूंढा, तो देयरफॉर मेरा क्यू आर का वैल्यू इज 20.5 यूनिट्स, एंड फाइनल आंसर आएगा पुट इट इन ब्रैकेट्स। समझा तुमको? समझा गया? इजी। तो ये देखो ऐसा बाजू में मत लिखो, तुम लोग है ना एक के नीचे एक लिखते जाओ, मतलब ये हो गया फिर उसके आगे नीचे नीचे लिखते जाना, बाजू बाजू में मत लिखो, ठीक है? कॉपी दिस समझा, कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है? तो लेट्स टेक अप द फोर्थ सम, सम नंबर 4 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। सी फिगर 2.19, फाइंड आरपी एंड पीएस। ओके, आरपी एंड पीएस ढूंढने बोल रहा है, फिगर पे ध्यान है सबका, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्रायंगल। अभी अगर तुम्हें ट्रायंगल को ध्यान से देखेगा, ठीक है, सब लोग एकदम गौर से इस ट्रायंगल को देखेगा ना, तो यहाँ पर एक एंगल मेरे को देके रखा है 90 डिग्री, दूसरा एंगल मेरे को देके रखा है 30 डिग्री। कौन सा वाला थ्योरम अप्लाई? 60-90। लेकिन मैं ये बताओ, सुनो ना मेरा क्वेश्चन सुनो ना, एक 90 दिया सर, दूसरा 30 दिया, 60 तो आई नहीं, तुम कैसे अज्यूम किया कि 60 है? इफ वी एड ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वी इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर हम लोग को वैसे करेंगे तो हम लोग को 60 डिग्री। सुपर। तो हमने ना 9th स्टैंडर्ड में सबसे पहला थ्योरम सीखा था, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कुमार में हर एक के एग्जाम में आता ही था, कंपलसरी क्वेश्चन आता था, कितना बोलने का भी तुम लोग पढ़ के नहीं गया था वो वाला सब। हाँ, तो यहाँ पर ये 90, हाँ बोल रहा है श्वेत, हाँ बोल रहा है, ये वाला 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। अपने आप मतलब तुमको लिखना पड़ेगा द रीजन सिंस सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इजी। अभी ये हो गया तो बहुत सिंपल है। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा तो 30-60-90 थ्योरम क्या बोलता है कि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, मतलब साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, दिस इज द साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर ये 6 है तो मेरा हाइपोटेन्यूज विल बी 12। क्यों 12? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का आधा है। अगर सपोज मैं तुमको बोल रहा है कि ये वाला साइड 10 है तो हाइपोटेन्यूज विल बी 20। अगर मैं तुमको बोलता हूं ये वाला साइड 5 तो हाइपोटेन्यूज विल बी, बोलो हाइपोटेन्यूज विल बी 10। वेरी सिंपल। तो ऐसा करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो एक बार हमको दो साइड का वैल्यू मिल गया तो तीसरा साइड का वैल्यू ढूंढना इज वेरी इजी। फाइन, तो लेट्स राइट डाउन दिस सम। हमको मालूम पड़ गया कि 30-60-90 थ्योरम यूज करना है सर, ठीक है? तो साथ में जरा करते हैं, तुम लोग डायग्राम बना लो फटाफट सब लोग, चलो बनाओ साथ में डायग्राम बना दो, मैं भी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। एस आर दिस इज 30 डिग्री, दिस इज पी, दिस इज 6। सोल्यूशन नंबर 4, सोल्यूशन नंबर 4। चलो लेट मैं पहला लिखता हूं ये सोल्यूशन, उसके बाद है ना तुम लोग कॉपी मारना। पहला ध्यान से सुनो, तो सबसे पहले ना हमको क्या करना पड़ेगा, मान में ये बताना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल पीएसआर है ना, एक 30-60-90 ट्रायंगल है। तो वो बताने के लिए मेरे को सबसे पहले बताना पड़ेगा कि एंगल आर इज 60 डिग्री, तो वो मैं फर्स्ट करूंगा, ठीक है? तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी एस आर, मेरे को क्या क्या देके रखा है इन ट्रायंगल पी एस आर, मेरे को देके रखा है वो लोग ने एंगल इज 90 डिग्री, फिर बाद में मेरे को देखा कि मेरा मेजर एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। द रीजन फॉर बोथ इज गिवन, इट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन, तो मैं बता सकता हूँ देयरफॉर मेरा एंगल आर विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। वाई 60 डिग्री? ये यहाँ पर रीजन आएगा, या तो तुम लिख सकते हैं रिमेनिंग एंगल, या तो तुम लिख सकते हैं द सम ऑफ द एंगल ऑफ, मतलब सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक बार मेरा ये हो गया तो मैं बता सकता हूँ कि मेरा जो ट्रायंगल है, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल, ये ऐसा आएगा ट्रायंगल, ये मेरा ऑटो में चलता है, देयरफॉर ट्रायंगल पी एस आर इज 30 डिग्री 60 डिग्री
90 डिग्री ट्राइंगल. तो वंस आई हैव प्रूव्ड कि ये 30, 60, 90 ट्राइंगल में आता है, उसके बाद में मेरा सम आगे सॉल्व करेगा. उसके बाद मुझे मालूम है, उसके बाद मेरे को क्या मालूम है, मेरे को मालूम है कि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करेगा, साइड ऑपोजिट 30 डिग्री मतलब आर एस इज हाफ ऑफ पी आर. वाई आर एस इज हाफ ऑफ पी आर, इसका रीजन इज साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री. यहाँ पर मेरे को वैल्यू किसका देके रखा है, आर एस का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो इट विल बी हाफ ऑफ हाफ इंटू पी आर. सो देयर फोर पी आर का वैल्यू विल बी 6 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स. तो मेरे को मिल गया मेरा पी आर का वैल्यू. तो पी आर का वैल्यू इज 12 यूनिट. दिस इज माई फर्स्ट आंसर. तो पी आर इज 12. नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम इसको ध्यान से देखेगा ना, यहाँ पर है ना जो दूसरा साइड है, दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड इज एस पी. ठीक है, मैं थोड़ा ऐसा साइड में इधर ऐसा डायग्राम रहेगा करके लिखता हूँ, एस पी है. अब ये एस पी का वैल्यू निकालने के लिए ना, एक तो मैं 30-60-90 थ्योरम यूज कर सकता हूँ. ठीक है, तो मैं कैसे यूज करूंगा इसको, मैं लिखूंगा कि एस पी इज रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स पी आर. वाई? रीजन साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री एंगल. तो एस पी का वैल्यू मेरे को चाहिए, तो मैं लिखा देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 इंटू 12. तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू 2 1 जा, दिस इज 2 6 जा, दैट इज 6 रूट 3 यूनिट्स. सो दिस इज वन वे इन विच आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस पी. एक और तरीका है कि सर अगर मैं ना ये फॉर्मूला भूल गया, गलती से मैंने ना कुछ अलग लिख दिया. जैसे देखो ना, मैं गलती से गलत इधर 1/√2 लिख दिया शुरुआत में. मेरे को मालूम था 3/√2 ही है, लेकिन वैसा इसमें रिकॉर्डिंग का इसमें ध्यान रखते रखते 1/√2 कर दिया मैं. तो ऐसा सर मेरे को ना अवॉइड करने का, एग्जाम के दिन में भूल गया कि √3/2 है क्या. तो तुम एस पी का वैल्यू कैसा ढूंढ सकते हैं, कोई मेरे को बता सकता है, कोई दिमाग लगा? परफेक्ट. तो तुम यूज करेगा ना पाइथागोरस थ्योरम, तो भी तुमको एसपी का वैल्यू मिल जाएगा एंड सेम आंसर ही आएगा. लेकिन हम लोग यहाँ यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पर हम 30-60-90 का थ्योरम यूज कर सकते हैं. सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, ध्यान है सबका? ध्यान है? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स. परफेक्ट. तो एक काम करो, लिख लो जरा ये आंसर, लिख के रखो जल्दी जल्दी. चलो लिख लो. ठीक है, थोड़ा ध्यान दो सब लोग. ये जो एक्टिविटी टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है ना, एक्टिविटी मतलब ऐसा बॉक्स बॉक्स दिया हुआ क्वेश्चन, इसको तुमको एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसा ही लिखना रहता है एग्जाम में. एग्जैक्ट सेम मतलब मैं यही क्वेश्चन लेगा, इसका ही सोल्यूशन सॉल्व कर डालेगा नीचे. ठीक है, तो देखो अभी ये सम कैसा है, क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर. फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. यहाँ पर मेरे को ए बी देके रखा है, बी सी देके रखा है. यहाँ पर देखो बोथ दिस साइड्स आर इक्वल एंड यहाँ पर वन एंगल इज 90 डिग्री. तो अगर ये दो साइड्स आर इक्वल, ये कौन सा वाला थ्योरम इधर एप्लीकेबल हो सकता है? कौन सा वाला थ्योरम एप्लीकेबल हो सकता है? कौन बोलेगा मेरे को कौन सा वाला थ्योरम एप्लीकेबल हो सकता है? अरे बोलो, माइक अनम्यूट करके बोलो. तुम लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, अभी अभी अनम्यूट करो, मैं तुमको म्यूट. यस सर. 45-45-90 वाला थ्योरम विल बी यूज्ड. तो देखो अभी मैं क्या क्या लिखेगा जरा ध्यान से देखना. अभी मैं यहाँ पर ही सॉल्व करता हूँ. यहाँ पर उन्होंने बोल रहे हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी और कुछ है रीजन, रीजन विल बी गिवन. तो रीजन आएगा इसका गिवन. अगर ए बी एंड बी सी इक्वल है तो लोग बोल रहे हैं तो ये एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू कौन सा एंगल? दिस एंगल. अभी एंगल का नाम पढ़ो कैसे पड़ेगा तुम, बी सी ए. तो यहाँ पर मेरा एंगल विल बी एंगल बी सी ए. ध्यान है सबका? तो सिंस ये दो एंगल इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आ रहा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस. एक मिनट. तो वो 45 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये ए बी विल बी इक्वल टू बी सी विल बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज. तो ए बी बी सी इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ए सी. तो यहां पर मैं लिखेगा 1/√2 इंटू √8. तो यहां पर मैं लिखेगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2. अभी इसको ना मैं जरा इधर सॉल्व कर दूंगा. 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2. तो इसमें क्या आएगा, मैं √2 एंड √2 विल गेट कैंसिल्ड.
तो ये वाले स्टेप में रूट टू एंड रूट टू विल गेट कैंसल्ड एंड मेरा फाइनल आंसर विल बी टू खत्म. तो दिस इज द सोल्यूशन. अभी तुम लोग क्या करो मन में, क्या टेक्स्ट बुक में ही है ना, इसको लिख के रख दो. ये सोल्यूशन टेक्स्ट बुक में लिख के रख देना. बस इतना ही लिखना है तुमको. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी बोला है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स हो फिल इन द ब्लैंक्स में लिख के छोड़ देने का. ठीक है, लिख लो जरा फटफट. सो दिस इज द लास्ट सम फॉर द डे. अभी नेक्स्ट जो इसका आगे का रिमेनिंग सम्स है ना, दैट विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास. अगर तुमको ये अच्छा लग रहा ना तो ये जरा शेयर करो. हम लोग जो वीडियो बनाते हैं इतना बहुत मेहनत है, इसके पीछे बहुत मेहनत है. तो तुम लोगों का कोई दोस्त दोस्त लोग रहेगा ना तो उनके साथ जरा शेयर करना. शेयर करना, सबको फायदा होने दो इसका. ठीक है, और तुम लोग सबसे पहले वीडियो देखना, क्योंकि तुम लोग जो है मेरिट इसमें, तुम लोग ही वीडियो नहीं देखेगा तो क्या मतलब है. ठीक है, सब लोग लिख लो आंसर. इतना लिख लिया तो आज के लिए काफी है. वी विल मीट टुमारो एट 5. लिख लिया सर.